प्रधानमंत्री जी के लिए तेजस्वी यादव जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो अति शर्मनाक। तेजस्वी जी को मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। देश के लोग प्रधानमंत्री जी की तरफ टकटकी लगाकर देखते हैं कि 73-74 वर्ष की भी उम्र में कितनी ऊर्जा के साथ लगातार वो देश की सेवा में लगे हैं। और तेजस्वी यादव जी की स्थिति क्या है वह भी किसी से छिपी हुई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं वरीशा आपके साथ। प्रधानमंत्री जी के लिए तेजस्वी प्रसाद के जिन शब्दों का प्रयोग किया है वह बेहद शर्मनाक है। यह कहना है जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा का, जिनका एक वीडियो सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है तेजस्वी यादव को मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। देश के लोग प्रधानमंत्री की तरफ टकटकी लगाकर देखते हैं, 73 साल की उम्र में भी कितना ऊर्जा के साथ लगातार देश की सेवा में लगे हुए हैं। आप इस वीडियो क्लिप में सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। प्रधानमंत्री जी के लिए तेजस्वी यादव जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो अति शर्मनाक। तेजस्वी जी को मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। देश के लोग प्रधानमंत्री जी की तरफ टकटकी लगाकर देखते हैं कि 73-74 वर्ष की भी उम्र में कितनी ऊर्जा के साथ लगातार वो देश की सेवा में लगे हुए हैं। और तेजस्वी यादव जी की स्थिति क्या है वह भी किसी से छिपी हुई नहीं। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि देश के किसी भी नागरिक को शारीरिक कष्ट ना हो, यह हम सब की कामना है। लेकिन तेजस्वी यादव जी से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है। जंगल राज के द्योतक हैं ये लोग और उसके उत्तराधिकारी हैं। उस संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें किसी की भी मर्यादा का ख्याल नहीं रखना है, कुछ भी बोलना है और यह सोचना है कि जनता इन सबको पसंद करेगी। जब भी ये लोग व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं नुकसान इन्हीं का होता है। प्रधानमंत्री जी के लिए तेजस्वी यादव जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया अति शर्मनाक। तेजस्वी जी को मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। देश के लोग प्रधानमंत्री जी की तरफ टकटकी लगाकर देखते हैं कि 73-74 वर्ष की भी उम्र में कितनी ऊर्जा के साथ लगातार वो देश की सेवा में लगे हुए हैं। और तेजस्वी यादव जी की स्थिति क्या है वह भी किसी से छिपी हुई नहीं। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि देश के किसी भी नागरिक को शारीरिक कष्ट ना हो, यह हम सब की कामना है। लेकिन तेजस्वी यादव जी से और उम्मीद ही क्या की जा सकती। जंगल राज के द्योतक हैं ये लोग और उसके उत्तराधिकारी हैं। उस संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें किसी की भी मर्यादा का ख्याल नहीं रखना है, कुछ भी बोलना है और ये सोचना है कि जनता इन सबको पसंद करेगी। जब भी ये लोग व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं नुकसान इन्हीं का होगा। तो जैसा कि आपने सुना कि अभिषेक झा का साफ तौर पर कहना है कि तेजस्वी यादव अमर्यादित टिप्पणी करने में हमेशा आगे रहते हैं, तो ऐसे में जनता उन्हें कैसे पसंद करेगी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी करना उनका और उनके पार्टी का छवि को दर्शाता है। जंगल राज का याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी का समय में बिहार कितना पीछे था, जिसमें कोई विकास नहीं था। जो भी विकास हुआ है वह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें न्यूज 24 को। हमारा फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।